हाय फ्रेंड्स, मैं सब जिग्नेश शाह। आज हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टेस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर, जैसे कि वो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का था। और अब आज हम दूसरे मेथड्स के बारे में बात करेंगे, यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का ही है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर भी बहुत सारी मेथड्स होती है। एयर प्रेशर टेस्ट होती है, स्टेटोस्कोपिक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट होती है, एक्सेट्रा। और आज हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में ही हम यूज़ करेंगे। जनरली ये वैसे मेटल्स के लिए यूज़ होती है, या फिर जो वर्कपीस है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ धराती है, मतलब वो मैग्नेटिकली अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट होनी चाहिए, जिस मेटल्स के अंदर होती हो, मतलब उसके लिए ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सरफेस क्रैक्स देखने के लिए यूज़ होते हैं, सरफेस डिफेक्ट। डिफेक्ट जो क्रैक्स हमें सरफेस पे दिखते हैं उसे हम सरफेस क्रैक बोलते हैं, जो नहीं दिखती उसे हम इंटरनली हम बोल सकते हैं कि जो नहीं दिख रही। ओके, तो जैसे कि हमारा ये जॉब दिख रहा है जिस पे डिफेक्ट्स है सरफेस पे, अभी ये हम देख नहीं पा रहे हैं कि हाथ लगा के हम फील कर रहे हैं कि नहीं है। कन्फर्म के लिए हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कि जैसे ये वर्क पीस है, इसके बीच में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इस तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। ओके, जैसे ये वर्कपीस पे हम लगा के मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, और तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से नहीं पता चलेगा, इसके साथ हमें इसके अंदर एक आयरन पाउडर भी आजू बाजू स्प्रिंकल करना पड़ेगा। अभी इसमें कैसा होता है, कोई भी मैग्नेट होता है टूटता है, जहाँ जहाँ से क्रैक आती है टूटता है वहाँ पर वो अपनी अलग अलग पोलैरिटी वापस बना लेता है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। ओके, तो सिमिलरली जैसे ही हमने वर्कपीस को मैग्नेटाइज किया, जहाँ जहाँ डिफेक्ट्स है वहाँ वहाँ अलग अलग पोल्स बन गए। ओके, हम आयरन पाउडर स्प्रिंकल करेंगे तो ये जो हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया उसके आजू बाजू तो सरफेस पे बनेगा ही बनेगा, लेकिन जहाँ पे क्रैक्स है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है, वहाँ पे अलग फील्ड लाइन होगी कंपेयर टू ये, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे डिफेक्ट्स है, कहाँ पे है, कितने बड़े हैं, वो हमें पता चलता है। इसका डिसएडवांटेज ये है ना कि ये जो मटेरियल है जो नॉन मैग्नेटिक है उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, प्लस ये इंटरनल डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अच्छा, इसका एक एडवांटेजेस सबसे अच्छा ये है ना कि हम इसे हैंडी है, ये हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।